आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स और बूलियन फंक्शंस हम इन गेट्स की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम्स जिनकी आउटपुट सिर्फ 0 या 1 हो सकती है, उनको डिजिटल सिस्टम कहते हैं। इनके बरक्स एनालॉग सिस्टम्स होते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स हो जो 0 से लेकर 5 वोल्ट्स तक कोई भी वोल्टेज देता है, तो फिर मैं एक थ्रेशोल्ड बना सकती हूँ कि 0 से 2 वोल्ट्स तक मैं उसको स्टेट 0 कंसिडर करूँगी और 2 से 5 तक मैं उसको स्टेट 1 कंसिडर करूँगी। यूँ मैं एक एनालॉग को 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर लिया। इसका फ़ायदा यह होता है कि 0 एंड 1 की फॉर्म में हम डाटा को कंप्यूटर में डाल सकते हैं और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर सारी प्रोसेसिंग 0s and 1s के ऊपर एक स्पेशल तरह का मैथ्स इस्तेमाल करते हुए करता है जिसको बूलियन अलजब्रा कहते हैं। सब मैथ्स 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। बूलियन अलजब्रा के अंदर कंप्यूटर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करता है फिजिकली एंड गेट के जरिए, और एडिशन करता है और गेट के जरिए। गेट क्या चीज़ होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिस तरह ट्रांजिस्टर एक या ऑप एम्प एक डिवाइस होती है, इस तरह एंड गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। उसके इनपुट के ऊपर 2 इनपुट्स होते हैं, वो इनपुट्स में या 0 लेता है या 1 लेता है और हमें फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आउटपुट दे देता है। एंड का मतलब है वो हमें चीज़ मल्टीप्लाई करके दे देता है, और का मतलब है वो इनपुट्स हमें ऐड करके दे देता है। इसके अलावा एक और बेसिक गेट होता है जिसको नॉट गेट कहते हैं, जो इनपुट को इन्वर्ट करके दे देता है हमें, जो भी इनपुट होती है उसको रिवर्स करके। इन 3 गेट्स की मदद से दुनिया के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता है कंप्यूटर, मगर इसके लिए हमें 0s and 1 इनपुट चाहिए होती है जो कि हम ट्रांजिस्टर की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं, और गेट्स खुद भी ट्रांजिस्टर से मिलकर बनते हैं। ट्रांजिस्टर को अगर हम एक कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल करें जिसके अंदर एक हमारी रेफरेंस वोल्टेज होती है जिसके साथ मैं एक गिवन वोल्टेज को कंपेयर कर सकती हूँ, तो हम इसकी मदद से एक एनालॉग इनपुट को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स ए है और वो वोल्टेज सोर्स 0 से लेकर 5 वोल्ट्स तक मुझे कोई भी वोल्टेज दे सकता है, मगर मैं कहती हूँ कि मैं 0 से लेकर 2 वोल्ट्स तक उसको स्टेट 0 या ऑफ स्टेट कंसिडर करूंगी और 2 वोल्ट से 5 के दरमियान मैं उसको 1 कंसिडर करूंगी, तो मैं फिर इस वोल्टेज सोर्स ए को यहाँ पर कनेक्ट करती हूँ, ये मुझे 0 से 5 तक कोई भी वोल्टेज दे सकता है। अगर वो वोल्टेज वी ए हम उसको कह देते हैं, अगर वी ए रेफरेंस वोल्टेज से बड़ी है तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा? प्लस वी सी सी। और अगर वो छोटी है, थोड़ी सी भी अगर वो उससे छोटी होगी, तो मुझे आउटपुट पे माइनस वी सी सी मिलेगा। तो प्लस वी सी सी को मैं 1 के साथ एसोसिएट कर देती हूँ स्टेट 1, और माइनस वी सी सी को स्टेट 0, और यूँ मैंने एक एनालॉग चीज़ को डिजिटल 1 या 0 में कन्वर्ट कर लिया, और अब मैं इन 1 और 0 के ऊपर मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकती हूँ लॉजिक गेट्स की मदद से। नॉट गेट एक सबसे बेसिक तरह का गेट होता है। इसका सिंबल ट्राइंगल के आगे एक बबल है, इसकी एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होती है। इनपुट को हम ए कह देते हैं, आउटपुट को एक्स। इनपुट सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकती है, या 1 हो सकती है या 0, क्योंकि हमारे पास एक डिजिटल सिस्टम है। इसके अंदर कोई ट्रांजिस्टर होगा, इसके ऊपर मैं जो भी इनपुट दूंगी, चाहे वो 0 से 5 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू हो, 2.5 वोल्ट हो, तो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर होगा वो मुझे बताएगा कि 2.5 का मतलब है 1, तो मेरी इनपुट या 0 होगी या 1 होगी। नॉट गेट का क्या काम है? कि वो इस इनपुट को नॉट कर देता है या रिवर्स कर देता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर एक बार डाल के, जिसको ए नॉट पढ़ते हैं। 0 का आउटपुट 1 होगा और 1 का आउटपुट 0 होगा। बूलियन अलजब्रा में एक बेसिक ऑपरेशन और होता है, और इसको इम्प्लीमेंट करता है और गेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसकी 2 इनपुट्स होती हैं और 1 आउटपुट। इसकी आउटपुट दरअसल ए प्लस बी करके हम लिखते हैं। ये ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कितने इनपुट्स हैं, ए और बी टोटल कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, या 0 0 दोनों हो सकते हैं, या 0 1 1 0 या 1 1।
चार कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 और 1 के, और इनकी आउटपुट ए प्लस बी है या ए और बी है। इसका मतलब ये है कि अगर ए या बी में से एक भी 1 हुआ तो आंसर 1 होगा, वरना 0। इसलिए इसको और कहते हैं, 0 1 1 1, यानी अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट में 1 होगा, और जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट में 0 होगा। इसकी एक वेरिएशन नॉर गेट होता है, जो सिंपली और गेट के आगे एक बबल बना देते हैं, या और गेट की इनपुट को नॉट करके बनता है। इसको हम नॉर गेट कहते हैं, एन फॉर नॉट। नॉर गेट की आउटपुट, इसको हम एक्स प्राइम कह देते हैं, एक्स प्राइम एंड गेट की आउटपुट का रिवर्स है, यानी 0 को 1 कर दें, सिंपली 1 को 0 कर दें, और इसको हम यूं लिखते हैं, ए और बी के ऊपर पूरे के ऊपर नॉट, यानी पहले ए और को बी के साथ और करें और फिर रिजल्ट को नॉट कर दें। दूसरा बेसिक फंक्शन बुलियन अलजेब्रा के अंदर एंड होता है, जिसको एंड गेट इंप्लीमेंट करता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस निशान से, इसकी दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट। अगर मेरी इनपुट्स टोटल चार वैल्यूज ले सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 या 1 1, तो इसकी आउटपुट ए डॉट बी, यानी और के केस में ए प्लस बी था और इसमें ए डॉट बी है, एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें अगर दोनों इनपुट्स 1 हो तो हमारे पास 1 आता है, वरना 0 आता है। इन अदर वर्ड्स, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 और 1 1 0 1। इसकी एक वेरिएशन है NAND, जिसमें हम AND की आउटपुट को NOT कर देते हैं, एक बबल बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको NAND कहते हैं, N फॉर NOT। इसकी आउटपुट को X प्राइम कह देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x prime, इसका रिवर्स होगा 1 1 1 0, यानी एंड की आउटपुट को नॉट कर दिया। इसको हम लिखते हैं a डॉट b पूरे के ऊपर नॉट का साइन बना के। एक और इंपॉर्टेंट गेट है x or गेट। इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव or गेट, ये खास तरह का or गेट होता है। इसको रिप्रेजेंट इस निशान से करते हैं, इसकी दो इनपुट्स होती हैं a b, और इसकी आउटपुट हम देखते हैं किस तरह होती है। ए और बी चार वैल्यूज ले सकते हैं। इसकी कंडीशन ये होती है कि जब दोनों वैल्यूज एक जैसी हो तो आंसर 0 होगा हमेशा, चाहे वो 0 0 हो या 1 1 हो। मगर जब बाकी की केसेस में नॉर्मल और की तरह और होगा, यानी अगर एक भी 1 हुआ तो 1 होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और के गिर्द सर्कल का निशान बना के। इसकी एक वेरिएशन एक्स नॉर गेट है, जिसमें हम इसके निशान के आगे एक बबल बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी आउटपुट एक्स प्राइम सिंपली इस वाले एक्स और गेट की आउटपुट का रिवर्स होती है, यानी 1 0 0 1, ये होती है एक्स प्राइम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली एक्स और करने के बाद पूरी चीज को नॉट करके। XOR को मैथमेटिकली, यानी XOR गेट की जो आउटपुट है वो एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जिसमें हम A नॉट को B के साथ एंड करें और फिर और करें इस पूरी चीज को A और B नॉट के एंड के साथ। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरह हम मुख्तलिफ गेट से बूलियन अलजेब्रा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने इस चीज को गेट्स की शक्ल में बनाना हो तो मैं मुझे क्या चाहिए, एक मेरे पास दो इनपुट्स हैं टोटल ए और बी। मैं ए लेती हूँ, उसको नॉट करती हूँ, ए नॉट आ गया मेरे पास, और मैं इसको एंड करती हूँ बी के साथ। इन दोनों इनपुट्स को मैं डालती हूँ एंड गेट के अंदर, तो मेरे पास ये पूरी चीज़ आ गई यहाँ पे। दूसरी मुझे क्या चाहिए, ए और बी का नॉट, यानी ए इनपुट से मैंने एक और ब्रांच ली ए और बी को, अब मैं नॉट करूंगी, बी को नॉट किया और ए एज इट इज लिया, इन दोनों को एंड कर दिया, अब मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैंने इन दोनों को और करना है, सिर्फ और, तो मैं इन दोनों की आउटपुट ली और उसको और गेट के अंदर इनपुट करा दिया, और फिर ये जो मेरी फाइनल इनपुट होगी ये मेरी दरअसल एक्स और की आउटपुट होगी, इसको मैं एक्स कह देती हूँ। ये बराबर होगी
अगर मैं इस ए और बी के ऊपर 1 और 0 चारों कॉम्बिनेशंस लेके देखूं, ए और बी टोटल कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, 0 0 0 1, 1 0 1 1, आउटपुट में देखूं तो मेरी वही आउटपुट होगी जो मेरी एक्स और की आउटपुट थी, जो कि ये थी कि जब दोनों एक जैसी इनपुट्स हों तो आंसर 0 हो और बाकी केसेस में सिंपल एक्स और हो, सिंपल और. What is the output boolean expression of logic diagram shown in the figure below? इसमें चार इक्वेशंस हैं और एक फिगर होना चाहिए जो हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर हमें ये पता है कि हम किस तरह एक एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को गेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मसलन हम इस वाले को करने की कोशिश करते हैं. ये क्या है, ए नॉट प्लस बी नॉट, ए नॉट प्लस बी. इसका मतलब है हमें दो इनपुट्स चाहिए, ए और बी. ए का नॉट लिया और बी एज इट इज लिया और इन दोनों को और कर दिया तो मेरे पास ये पूरी चीज आ जाएगी. और फिर ए का नॉट लिया और बी एज इट इज लिया और इनको भी और कर दिया तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी. और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी एंड हो रही हैं, तो इन दोनों आउटपुट्स को मैंने लेके एंड कर दिया तो मेरे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगी. इस तरह जो भी फिगर हो हम देख सकते हैं कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है.